हेलो, जय श्री राम, नमस्ते। पीछे गेट खुले पीछे गेट खोल, पीछे बाहर से लेंगे। चलिए बोधि दुर्लभ भावना चल रही, बोधि दुर्लभ शिवोत्सव दुर्लभ भावना नहीं चल रही। शिवोत्सव अनंत बार वही है, शिवोत्सव तो वही, शिवोत्सव तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जिस शिवोत्सव को हम ये बोध मान लेते ये गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं, बोध ही दुर्लभ, शिवोत्सव दुर्लभ भावना नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं आपके सामने, आप शिवोत्सव को बोध ही मत समझ लेना चाहिए। हम तो शास्त्री हो गए, हमने तो इतना पढ़ लिया, अब इतने लोग हमें चाहने लगे, इतने लोग हमें जानने लगे, अब इतने लोग हम, अरे हम तो बहुत फैन हो गए। यदि बहुत आसानी से कोई तुम्हारा फैन बन जाए तो समझे तुम सही नहीं। क्या कह रहे हैं, जल्दी कह गए, सोचना क्या कहा। बहुत जल्दी तुम्हारे फैन इकट्ठे हो जाए तो तुम अच्छे नहीं हो, इसका मतलब। सब्जी भाजी के मार्केट में भीड़ जल्दी लगती है, रत्न के मार्केट में पार्क ही कोई होगा, पार्क ही रत्न के मार्केट में कोई पार्क ही कोई। उसके आगे समझ में आया, मैं आजकल बड़ा व्यस्त हूँ, 50,000 फॉलोवर है मेरे। अरे भैया 50,000 बोला, हल्के क्वालिटी के होंगे फिर तो, रत्न के पार्क ही तो। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, आदिनाथ भगवान ने कोई से 24 तीर्थंकर में से कोई से तीर्थंकर दीक्षा लेकर चले गए, इसको अनुमान अपना प्रवचन न चर्चा, आप कितने फॉलोअर होंगे, कोई कितने फॉलोअर होंगे, क्यों प्रवचन हुआ तो फॉलोअर आ जाए, कक्षा लगे तो फॉलोअर आ जाए, शिविर लगे तो फॉलोअर आ जाए, कोई फॉलोअर। 4,000 आए थे चले गए बीच में से। क्योंकि बातचीत तो हो, कम से कम बातचीत ही नहीं हो रही, समझ गए। ब्रह्मचर्य का मार्ग, मुनिराज का मार्ग, जब मुनि बनोगे समझो कोई फॉलोअर नहीं होगा आपका, आप पूरे जंगलों में अकेले घूमेंगे, अकेले 1,000 बरस जंगलों में अकेले चुप। अभी तो अपन इतने लोग थे ना तो अच्छा लगे, अकेले जाओ उसमें बैठो ध्यान लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पता लगता है कि आप ठगा मत जाना, शिवोत्सव और बोधि में अंतर है, समझ गए। तो शिवोत्सव
और बोधि में अंतर है। आप शोपसम को बोधि समझ जाओगे, जट लग लगे मैं सम्यक दृष्टि, मैं मोक्ष मार्गी, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा त्यागी, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी, और लोग तो बहुत मेरे प्रवचन फिदा है, नहीं कहीं गड़बड़ है, तुम पे ही फिदा नहीं क्या कह रहे हैं तुम? हाँ तुम अपने पे फिदा नहीं हो, तुम उस प्रवचन पे फिदा हो रहे, मैंने पर्याय उस शिवसम पे फिदा हो रहा है जिसपे दुनिया पैदा हो रही है। दुनिया गाय पे पैदा हो रही है क्या? दुनिया प्रवचन पे पैदा हो सकती है, शिवसम पे हो सकती है। सोचो मैंने आप बता दिए पिक्चर, उन आचार्य कौन कौन को कौन चाहेगा जो जंगल में चुपचाप बैठी, आने वालों से बात नहीं, जाने वालों से कोई मतलब नहीं, यहां से कैसे करुणा सागर कोई से बात ही नहीं कर रही। ग्रंथ लिखना भी कमजोरी है, असली करुणा सागर तो ग्रंथ भी नहीं लिखते, प्रवचन नहीं करते पूरी जिंदगी। काय का अंतर बता रहा हूँ, शिवोपशम और बोध, शिवोपशम और बोध ही का अंतर है। थोड़े और सर को आगे समझ में, तो शिवोपशम और बोध का अंतर समझना। दो तीन बार क्यों कहा, क्योंकि तुम जिस भीड़ में रहते हो ना, जिस भीड़ में कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर और बहुत बड़े प्रोफेसर, फिदा मत हो। क्यों नहीं फिदा हो? झंड निदान बंद कर लोगे, मैं भी ऐसे प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं भी ऐसे डॉक्टर बन जाऊँ, तो आत्मज्ञान ही नहीं बन पाओगे। स्वामी जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? स्वामी जी ने कितनी डॉक्टरेट की, पीएचडी करी, लेकिन सारे पीएचडी उन्हें देख रहे हैं, समझ गए? सारे पीएचडी होल्डर और तुम्हारे प्रोफेसर विद्वान जितने भी हैं बड़े बड़े, सब उन्हें देख रहे हैं। आज देश विदेश में उन्हें पढ़ाया जाएगा, ये तो छठी पास थी। काय का अंतर बताया, शिवोपशम शिवोपशम के पीछे गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन, जिनवाणी में इन्फॉर्मेशन बहुत है, और 99% लोग आत्मकल्याण इसलिए नहीं कर पाते कि इन्फॉर्मेशन में भटक जाते। उनकी डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में, जैसे आप सीधे कहो मैं तो क्या है, ये तो हम मालूम, तुम आगे बोलो, अरे यही तो नहीं मालूम कि मैं गायक हूँ, यही तो नहीं मालूम कि मैं करता हूँ, अरे ये तो फालतू बात है, तुम तो बोलो आगे बोलो, धबला में लिखा है, सटकंडा का में लिखा है, पंचपाल में इसकी टी ओ पंच अस्थिका की टीका में ये लिखा है, फलाचार में ये लिखा है, वो गलत है, बे सही है, बे ऐसा वो जी क्या कर रहे, ये शिवसम है, समझ गए? बोध ही वो शिवसम में अंतर। यदि अहंकार आ जाए ना तो समझना शिवोपशम, और नम्रता आ जाए तो समझना बोध ही। शिवोपशम और बोध में क्या अंतर है? नम्रता आएगी, अरे हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो सीखना है, अरे आपके दर्शन हो गए हमें तो मान लो सब ऐसे बढ़िया। जब पहली बार आप तो परीक्षा क्या पढ़ते हो, आप लोग आत्मीमांसा पढ़ते हो ना, आत्मीमांसा स्कूल में, मतलब आपकी मन से चलती ना आप परीक्षा, तो पहली बार संस्कृत में उन्होंने पढ़ी थी गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने, और जिस दिन पूरी हुई उस दिन इतने खुश हुए कि वो अजयन पढ़ाने वाले थे, उनके चरणों में लौट गए, अरे आज हमने ऐसा ग्रंथ पढ़ लिया, ऐसे निहाल हो गए चरणों में, और 500 उस जमाने 500 रुपये की अंगूठी हीरे की उन्हें भेंट कर दी। तो उन्होंने बहुत संकोच किया लेने में, शास्त्री थे जो बहुत संकोच किया, अरे भैया 500 रुपये हीरा नहीं खड़ा कर रहे थे, 500 रुपये ना उस जमाने की तो कितने की होगी समझ लो, 100 साल पहले समझ लो, आज़ादी से पहले की बात, 50 लाख कम पहले, अब जितने की हुई मतलब उस समय 500 रुपये की कीमती हुई समझ लो, उस जमाने में 50,000 रुपये की समझ, 50,000 का तो हुआ कम से कम, इतना तो मान लो 5 लाख की हो, लेकिन वे कह रहे भैया नहीं, तो वे कह रहे भैया आज मेरे पास
यदि तीन लोग का राज्य होता तो वो भी न्योछावर कर देता। जी है देखो नम्रता, जी है पढ़ाई के प्रति भक्ति, कृतज्ञता। आज आप नहीं होते तो हम कहाँ होते? ये मोक्ष मार्ग आपसे मिला है, हम कहाँ होते? ऐसे परिणाम आ रहे थे समझो बोध ही। और छोप समाएगा था, अरे वहाँ एक प्रोफेसर थे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, उनकी शैली अच्छी नहीं, वो ऐसे ही है लग गए हो तो क्या होता। मान आप समझ लो प्रोफेसरों की मजाक उड़ा रहे हो तो आपको छोपसम छोपसम मजाक उड़ाएगा प्रोफेसर तो आपका छोपसम मिट जाएगा। मिट जाएगा मतलब कम हो जाएगा, मिटेगा तो क्या, मिट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ गए? छोपसम मिटने का मतलब केवल छोपसम मिटेगा कम हो जाएगा। तो छह ऑप्शन में वो बोध ही दुर्लभ, ये फर्क है। बहुत बहुत ठगा जाते हैं मुनिराज भी, छह ऑप्शन के पीछे दौड़ने लगते हैं। दीक्षा ले ली अब क्या करें? मुझे इतना दुख लगता है देख करके, अब दीक्षा ले ली अब क्या करें? पढ़ो बस उसका, रटो इन्फॉर्मेशन करो, बोलो प्रोफेसर सुना लो अच्छी शैली है तो लिखने लगो। जो तीन विधा में चले जाती मुझे बड़ा दुख होगा। मैं अपने लिए कह रहा हूँ ये बात, किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं इन तीनों विधा में नहीं जाना चाहता। मैं छह ऑप्शन नहीं उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। मैं तुम मुझसे कहो बहुत अच्छे लेखक हो, मुझे तुम्हारे लेखक सुनना ही नहीं। हमें तो मैंने क्या बोला था अभी रास्ते में, डस्टबिन में हमने सब इकट्ठा कर दिया। अब तुम्हें कोई काम की चीज लगे तो निकाल दे, हमने तो डस्टबिन में इकट्ठा कर दिया। मैंने आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं भी लिखा लेखक बन जाऊँ, लेखक हो जाऊँ, मैं अच्छा संपादन कर दूँ, छप जाए, अरे निकालना हमें नहीं करना। हमें तो अपना परिणाम थे, हमें करके छोड़ दी छुट्टी। बोधि, बोधि की तरफ जाओ, वो मैं आत्मा हूँ ये बोधि है। तुम्हें मैं आत्मा हूँ सुनने में कैसा लगता है? रोमांच आता है तो शाबाश बोधि है। अब आत्मा तो सुन ली, आगे बोलो, अरे तो मेरे शिव सन समझ गए। आत्मा सुनकर प्रसन्न हो जाए मन तो समझना बोधि है। आत्मा हूँ ऐसा सोचकर आनंद आता हो तुम्हें, जैसे लड़का लड़की होते ना खोटा दृष्टांत दे रहे, सगाई हो जाए, अब उसी लड़की का नाम लेते थे रोमांच रोमांच, उसी का नाम लेते थे, सोचते थे ओ सोचते थे, मैंने यहाँ से जब तुम्हें अकेले में बैठ के ऐसा लगे मैं आत्मा हूँ, मजा आ गया। अरे मजा ही मजा आ गया, नहीं दे हम नहीं जी तो जलेगी, यही तो राग होगी, अरे हम है ही नहीं जी। जो आत्मा की खुमारी ऐसी चढ़ जाए तुम्हें तो समझने बोध ही है। दुर्लभ है, अभी भी दुर्लभ है। हमें मालूम है प्रवचन अच्छे लग सकते हैं, आज बहुत मजा आया, 10 पॉइंट नए आए, ऐसा कभी नहीं सुना, 5 पॉइंट नए आए, गजब पंडित जी का छह ऑप्शन बहुत गजब कर दिया। नहीं धवल जी विद्वान है, बहुत बड़े त्यागी हैं, कहते हैं जो छह ऑप्शन पे फिदा है वो गधा है। जो छह ऑप्शन पे फिदा है वो गधा है, और जो खुद पे फिदा है वो खुदा है। जो खुद पे फिदा है भगवान हूँ मैं, ओ गजब हो गया, कैसे रोमांच आना चाहिए, मैं भगवान पर ही गजब कर दिया। तुमने मेरी एक लाइन सुनी होगी, जब मैं हमेशा ही गाता हूँ चाहे मैं अमायन हूँ चाहे इधर, प्रभु आपने बार 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 मजा आता है। अरे भगवान आपने हमें भगवान बता दिए, गजब हो गया। हम तो सोचे जी कचरा है, अरे जी हम नहीं, अरे जी हम नहीं, अरे हम नहीं, बस हो गया प्रभु चलो, क्या कौन पाप करे इसके चक्कर में बैठ गया, कौन करे इसके चक्कर में, इसकी ओर देख के खोटे भाव आए तो खुश होना चाहिए, सही है, डस्टबिन में से बदबू ही आएगी। जैसे देख के खोटे भाव हो तो सही बात है, डस्टबिन में से बदबू ही आएगी, और शुद्धात्मा में देखो तो सम्यक्ति की लहर आएगी। ये बोधि दुर्लभ, ये बोधि दुर्लभ है, मैं आत्मा हूँ ये जानना दुर्लभ है, सुनना दुर्लभ है। स्वामी जी बहुत करुणा से प्रवचन इसलिए करते थे, कान ही पढ़ना दुर्लभ है। ये तो कहते थे सम्यक दर्शन तो महादुर्लभ है, कान में ही नहीं पढ़ी अभी तो, इसी को यही नहीं सुनने मिला मैं भगवान, इसी को यही सुनने नहीं मिला मैं आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, इसे सुनने नहीं मिला। एक बार कान में तो पढ़े, अजय लोगों के बीच में भी गुरुदेव बैठ जाते थे, क्यों साहब जी क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, कान में तो पढ़े कम से कम कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिज्ञासा होगी तो काम हो जाएगा, अपन तो एक प्रवचन करके चले जाएंगे, इन्हें कहीं जिज्ञासा होगी तो काम हो जाएगा। बोलो
अभी तुम लोगों को परेशानी क्यों आएगी, देख रहे हैं बड़े होते हैं तुम, परेशानी आएगी क्या परेशानी? और यार मेरा क्या प्रवचन है, गाँव के लोग अनपढ़ है, कभी सुने ही नहीं, अभी ने कहा सुना है? तो अपन ये सोचते कहा सुना है, गुरुदेव भगवान सुना दिए क्या? अरे अब व्यक्तियों को देख देख के कहाँ तक प्रवचन करेंगे अपन? तो क्या चलो इन सौ में से एक जने ने सोच भी ली ना कि आत्मा क्या है, ना कहाँ शांता बहन चंपा बहन थी, नाम सुना है? सोनगन पढ़े तो सुने ही हो, तो वे दीक्षा लेना चाह रहे, शांता बहन दीक्षा लेना चाह रहे, तो गुरुदेव के पास लाए उनके भाई कि बहन दीक्षा लेना चाह रही, आप आशीर्वाद दे। तो गुरुदेव ने पूछा बहन आत्मा ने ओढ़ कुछ ये नहीं, दीक्षा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी पढ़ना है, बेहरा आ गया, बहुत अच्छा है, संसार में कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, जा बेटा कुंजा, समझ गए, जा बेटा कुंजा, जी नहीं कहा ना, बहुत बढ़िया है, बेहरा ले लिए, बहुत अच्छा है, संसार आसार है, बढ़िया सोचा तुमने, बहुत अच्छी आशीर्वाद। जा पहले ही प्रश्न, बहन आत्मा ने ओढ़ कुछ? अब हक्का बक्का चली गई, उस समय तो कोई बातचीत नहीं हुई, चली गई। और ये आत्मा, बहन श्री बोलती हैं मैंने पहली बार सुना कि आत्मा, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी ये मत सोचो हम गांव में हैं कि अजैनों में हैं, तो इनके लायक प्रवचन सुना दो, दयादान का, अमृत पूजा का, हाँ बोधी दुर्लभ बेटे, शिव समझ बगा रहे, दुनिया को खुश करने के लिए आइए इनके बीच में पांच पाप बोल। आजकल साधु लोगों कई बार ऐसे होते हैं ना, सड़कों पर प्रवचन होते हैं या टीवी भी होती है, तो सब तरह की बातें बोलते, सब तरह की, आम पब्लिक भीड़ लगना चाहिए बस, आम पब्लिक खुश होना चाहिए, कब अष्टमी पे भी बोल देंगे कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी, नव दुर्गा को भी बोल देंगे, फला पे भी बोल देंगे, वो ऐसे लिख देंगे हल्का फुल्का, प्रतिज्ञा करो प्रतिज्ञा, आत्मा किसी पर बात नहीं करेंगे, अब तुम बढ़िया वक्ता बन जाओ, अपन समझाना नहीं है, फिर समझ लो चीज, दुनिया में तुम्हें प्रभावना करना नहीं है, होना है, तुम्हें प्रवचन करना नहीं है, होना है, तुम तो आत्मा से नीचे मत उतरो, भीड़ बैठी हो कोई बैठा हो मतलब उनको क्या समझ में जाए, आएगी ना? अब सौ में से एक को भी जिज्ञासा होगी आत्मा, तो बहन से कैसे जोड़ दी बोलो, और दीक्षा छोड़ दी, दीक्षा लेना छोड़ दी, श्वेतांबर दीक्षा स्थान वासी लेना थी छोड़ दी, और गुरुदेव के पास साहेब आत्मा पहली बार आपसे सुना हमने, आत्मा क्या है, पढ़ो करो चर्चा, जुड़ गए उनकी वजह से कितने लोग जुड़ गए, शांता बहन चंपा बहन, चंपा बहन उनकी वजह से कितने लोग जुड़ गए, फिर जितने लोग जुड़े गुरुदेव ने एक ही बात उनकी, आप टोन देखो, आप गुरुदेव के प्रवचन में ऐसा नहीं दिखाई देगा कि आज वो फला पंच कल्याण कहते थे स्थूल प्रवचन, आज जेल में गए थे स्थूल प्रवचन, आज वो ऐसा गाँव में है तो स्थूल, हाँ भाई सब धर्मों में एक ही बात है, कई बार बोल देते हैं वक्ता लोग, अजैन अजैन मैंने जैन वक्ता तक बड़े बड़े विद्वान तक अजैनों की सभा में जाके हाँ सब धर्मों का सार एक ही है, नहीं गुरुदेव को कैसे कह रहे हो, गुरुदेव के मुख से कभी नहीं निकला कि सब धर्मों का सार एक है, श्वेतांबर दिगंबर में कोई अंतर नहीं, नहीं साफ अंतर है, साफ अंतर है, जैन ही नहीं, अब ऐसे कहने वाले अपने में भी नहीं है कोई, मैंने कैसे गुरुदेव ऐसे कहते जैन ही नहीं, श्वेतांबर जैन जैन ही नहीं, मैंने श्वेतांबर जैन जैन ही नहीं है, गुरुदेव कितने कट्टर, आपको बनारस में एक मंदिर में गए, बनारस में गए थे कहाँ गए थे, सो नीचे दिगंबर मंदिर ऊपर श्वेतांबर, ऐसे कहीं गए थे शायद बनारस अथवा तो कहीं मेरे ख्याल से तो बनारस है, या सिंहपुरी चंदपुरी हो सकती कहीं थी याद नहीं मुझे एकदम, गए थे तो कैलाश चंद जी उनके साथ थे, कैलाश चंद जी का मतलब समझते पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री जो प्राचार्य थे बनारस के, बनारस के प्राचार्य थे विद्यालय के, तो बोले क्या पर पढ़ते, ओ गुरुदेव को इतना बुरा लगा कैसे दिगंबर विद्वान हो तुम्हें दिगंबर श्वेतांबर में अंतर नहीं समझ में आता है,
ऐसे कैसे हमारा मंदिर भगवान और ऐसे ऊपर नीचे कैसे? जो श्वेतांबर से आए थे वो कट्टर थे, समझ गए क्या कह रहा हूँ जी? मत सोचना हमें कुछ नहीं आता, मत आनंद उन्हें भी कुछ नहीं आता। यही तो महात्मा को जानते हो तो ये बहुत ही दुर्लभ मिल गया तुम्हें। और उन्हें आत्मा जिज्ञासा भी हो गई ना तो उनका मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ध्यान रखना आत्मा की, बहुत बड़ी बात कहना, ध्यान से सुनो, आत्मा के बारे में सुनते सुनते हमें आत्मा की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, अर्थात बोधि दुर्लभ का घात हो जाता है। समझ गए? बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ माने दुर्लभ है बोधि। क्या कह रहे? बोधि दुर्लभ मतलब दुर्लभ है बोधि। कौन सी किमें आत्मा? सही बताना है। प्रवचन सुनते 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 इतना इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं और इतने ग्रंथों में डूब जाते हैं, पढ़ना लिखना रटना सब कुछ होने लगता है, आत्मा खो जाता है। मतलब 24 घंटों का भी याद आता है मैं आत्मा हूँ। ये तो लगता है जी पंडित जी बहुत बड़े, जी पंडित जी बहुत अच्छे, उनकी तारीफ बहुत है, अरे उनका तो सम देख के रहता है, अरे तुमने आत्मा क्यों नहीं दी? बोध दुर्लभ, समझ गए? अब इसमें शब्द आया है सामग्री सभी सुलभ। पहली लाइन है सामग्री सभी सुलभ, दो दिन इसका अर्थ कर लिया अपन, दो दिन इसका अर्थ कर लिया सामग्री सभी सुलभ। अभी तीसरा अर्थ कर रहे हैं, व्रत उपवास अनंत बार हो गई। सामग्री में हम क्या ले रहे हैं? दीक्षा अनंत बार हो गई, लेकिन मैं आत्मा में जिज्ञासा नहीं। कई लोगों को पढ़ने की जिज्ञासा हो जाती, चलो सास पढ़ते थे, आचार्य कौन कौन क्या कहते हैं देखते हैं, बहुत बड़े देता रहे हैं आचार्य कौन कौन, वेल फेमस, वेल नॉन पर्सन रहे, वेल नॉन पर्सन, अरे वाह, चल चल उनको भी पढ़ना चाहिए, क्या कहते हैं। वैसे सब ठीक है, हरी बात स्टोरी पढ़ो, उनको पढ़ो, जितनी ऐसी बात हो गई, क्या कहते हैं हम तुम्हें, कांच और कनक वो उसमें हीरा में अंतर ही नहीं समझ में आया। रेदास भी यही कहते हैं, गीता भी यही कहती है, अरे तकलीफ होती है, बोध दुर्लभ नहीं समझ में आया, समझ गए? बोध अब तो समझ गए, बोध वचन काय पे दिया है, आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ ये जिज्ञासा भी हो गई तो बेड़ा पार होगा। समझ पाओ नहीं समझ पाओ कोई बात नहीं, पर जिज्ञासा तो हो। एक बहुत अच्छे बालपोथी पढ़ी, बालपोथी पढ़ी होगी स्वामीगढ़ में तो कम से कम पढ़ी होगी, और कहीं ना मिलता है ना, उसमें एक बहुत अच्छा गीत है, बहुत प्यारा गीत है, जिज्ञासा का गीत है, याद आ रहा है जिज्ञासा का कोई गीत? मुझे देखना आता मैं देख कैसा, ये जिज्ञासा, ये जिज्ञासा का गीत कितने छोटे बच्चों के लिए, बाल पोती, मुझे देखना है क्या वो छे क्या करता है, कैसा है क्या करता है, देखना है मुझे आत्मा, जे है बेटी त्याग की सार्थकता यदि है तो आत्मा हूँ, इस पर जिज्ञासा ही नहीं हुई, हो गई क्रिया भी हो गई आचरण, तो वो सामग्री सुलभ हो गई, अनंत बार पूजा करी, अनंत बार व्रत उपवास करी, बिल्कुल निर्दोष, यहाँ कह रहे खुश होने लायक बात नहीं है, तुम निर्दोष निरतिचार पालन कर रहे तो भी खुश होने लायक नहीं, क्यों? अनंत बार कर लिया तुमने, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये जिज्ञासा नहीं, मैं आत्मा हूँ इसकी गदगद हो भाई साहब, और बताओ आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, जिज्ञासा, समझ गए जिज्ञासा? पत्नी को पति का विरह हो और पति से मिलके कोई आया हो, मिलके आया हो, क्या कह रहे थे, चार बातें और का चार, बस बस इतनी, चार घंटा संग रहे हो इतनी कही, बस हमारी कैसे कह रहे थे, तुम्हारी कैसे नहीं कह रहे, ऐसा लगता कहीं प्रेम टूट गया, क्या बात है हमारे बारे में कुछ बात ही नहीं करी, अरे चाहत खत्म हो गई, क्या बात हुई, क्या गलती हो गई हमसे, क्या हम क्या हो गया, ये भगवान उनके चित्त में हमारी कम दूर कैसे हुआ, वो और क्या कह रहे थे, और क्या कह रहे थे, ऐसे आत्मा कैसा है, कैसा है, हम तो जाना था क्या दृष्टा है, अरे ये तो मैं शिव सुम का अहंकार है, नहीं जानते तुम क्यों आत्मा कैसा होता है, ज्ञात दृष्टा नहीं होता, नहीं 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 जानते, शिव सुम ज्ञाता है तो कैसा है, कैसा ज्ञाता है, रात के समय कैसा ज्ञाता है, द्वीज के समय कैसा ज्ञाता है, तो आपके समय कैसा ज्ञाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठंड लग रही हो, मुझे ज्ञाता है, अरे
आज क्या था कैसा होगा इमेज, समझ गए इमेज। तुम नृत्य हरट लिया, हम क्या था दस्ताव तो जानते, अरे नहीं जानते तुम, देखो देखो ये पेज पे लिखा है ये पेज, अरे नहीं जानते भाई तुम ज्ञाता दृष्टा को नहीं जानते, ज्ञाता दृष्टा कहाँ कहाँ लिखा है जानते हो। समझ में आया अंतर, बोधि बोध ऐसे दुर्लभ कैसे लिखा है, क्यों तुम्हें सुलभ हो गई अभी, इतने पंडितों में सुलभ हो गई है अभी नहीं हुई, बोधि दुर्लभ है, 1000 विद्वान हो गए बोधि दुर्लभ है, अभी भी दुर्लभ है, इतने मुनि त्यागी व्रति हो गए दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है काम बोध से चले, शिवसम से नहीं चले, कहाँ की नदी कहाँ बहती है कहाँ होते हो तुमने बताओ जी, गांव को नाला कहाँ निकला। अब जब तुम्हें बोध ही होगी तब क्या बाबू भाई, नहीं हमें परेशानी मतलब देखो तुम लोग आपस में मिलके कर लो, हमें नहीं पता, हमसे तो तुम पैसे ले जाओ, अरे तो तुम नहीं कर पाओ, बोध ही बोध ही समझ गए ना, कॉमन सेंस अनुभव उससे चलता है देश। आया समझ में आया, अब देखो ज्ञाता आप कितना बोल दिया, ज्ञाता की इमेज तो करो कैसा होगा, अगर वो ज्ञाता हुआ क्या नहीं बोल समझते हैं, ज्ञाता दृष्टा तो बैठ गए, अरे ये तुम बेकार में बैठ गए, ऐसे थोड़ी बैठने से होता है वो ज्ञाता दृष्टा, ऐसे बैठने से नहीं मिलता, तो कैसे मिलता है इमेज तो करो, राग होने पर भी गया था, द्वेष होने पर भी गया था, नरक की पीड़ा होने पर भी गया था, स्वर की भू होने पर भी गया था, वो घटता नहीं गया था, बढ़ता नहीं गया था, अगुण लघु केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो भी ज्यों का त्यों गया था, अल्प ज्ञान निवृत्त में चला गया तो भी ज्यों का कैसा गया था, हुआ सोचे तो जरा कैसा हुआ। गांधी जी के बारे में कहा ना, किसने कहा इतिहास नहीं, लेकिन भविष्य में जब गांधी जी के बारे में कोई सुनेगा तो चलता फिरता कोई मांस का लौथला ऐसा भी हो सकता है, कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा, चलता फिरता मांस का लौथला ऐसा भी हो सकता है, इतना सह लेना, इतना उनका जीवन का जो संकट है संघर्ष है, बोले कोई होगा चलता फिरता, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। आप पढ़ के देखो गांधी जी का जीवन, विश्वास नहीं हुआ, डंडा लग गया इधर और फिर भी खड़ी, और कोई गाली नहीं, कोई गलौच नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई उन्होंने कहा अंग्रेज ने अच्छा ठीक आप और वो बहुत तिरस्कार कर रहा थी प्रेम से, कोई बात मरते समय भी पति पत्नी का विरह करा दिए अंग्रेजों ने, आगा खा के महल में अलग अलग ऐसे रख दिया, मरे ही उनकी पत्नी मर गई, मर बैठे शांति से टूटे नहीं, कल्पना तो करो जाए तुम्हारे संग ऐसी घटना घटे तो नहीं कर सकती, माँ भी भगवान अपन कह देते बड़े आनंद से जंगल का मार गया है मुनिराज बन खंडा जी ने केल ही करें, अरे जाके तो देखो समझ गए, 8 साल का बालक दीक्षा लेके जंगल में गया, अब माता नहीं पिता नहीं भाई नहीं बंधु नहीं खेल नहीं कूद नहीं, तुम दिन में 10 बार खा रहे आज पानी बरस रहा पकौड़ा खा रहे अभी नहीं खा रहे चुप कैसे रह रहे होंगे, अब इमेज करो जरा मुनि जैसा कैसी होती होगी, तो हम जानते 28 मिलियन, अरे नहीं जानते जी तो कह रहे हैं समझ गए, अब हम लोग जो पढ़ के निकलते हैं ना इस तरह से तो हमें हर बार हर शब्द पे कहना पड़ता, नहीं तुम नहीं समझे अभी नहीं समझे बता रहे तुम्हें भाव इसका, हर शब्द पे ऐसा लगता है तुमने अभी शब्द पढ़ा है, भाव तो भाव है, अभी अभी हम जब यहाँ आए ना तब हमें महसूस हो रही वो चीज, कैसे बन खंडा मैं खुद अनुमान लगा रहा हूँ कैसे, कोई बोल नहीं चाल नहीं पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं प्रवचन नहीं, पूरी जिंदगी प्रवचन नहीं है मुनिराज, 99% मुनिराज पूरे जीवन प्रवचन नहीं करते, वो लिखने की बात है तो लिखते नहीं, अब सोचो काय का आनंद हुआ इस बनखंड में, ठंड है गर्मी है बरसात है मच्छर है मैंने प्रतिकूलता या 22 परिसर में तो सब है, करने को कुछ नहीं, मैंने करने को
कहो तो पूरी भैया भक्ति करने में पूरा जीवन चला जाए, भक्ति में ही चला जाए, माला पहनने में ही चला जाए, आहार लो और कोई काम करो, कुछ आते नहीं, और तो भी पवित्र मुनिराज इमेज करो, माने अब इमेज करो तब कर पाओगे 28 मिनट। अभी हमने तुम्हें बताया ना आसन परिसर सैया परिसर, अब इमेज होगी तुम्हारी कैसे हो रही है, आया समझ में? तो क्या था ये बहुत ही दुर्लभ है, अकर्ता दुर्लभ है। अभी तुमने सुनते सुनते हाँ वो अपन झट वो तो छूता ही नहीं। अरे ये तुम बोल रहे छूता नहीं का मतलब हमने बहुत बचपन से सुना, छूता नहीं हमें समझ में नहीं आती थी, छूता नहीं का मतलब का भाव क्या है छूता नहीं। हमें कई लोगों से पूछा कि गुरुदेव कहते अड़तोज न थी तो सर मतलब क्या है, अब कोई बता ही नहीं पाए प्रवचन बेबी ठोक दें अड़तोज न थी, अब हम पल नहीं पढ़ लिखा कह रहे हैं, बहुत पूछा बहुत सोचा, फिर हमने उसका अर्थ निकाला, हमने उसके प्रवचन किए जब कहा अर्थोज नथी का मतलब है नो इंटरफियरेंस, जी अर्थ नहीं छूना नहीं छूता नहीं छूता नहीं, तो इतना सही मत ले लेने छूता नहीं है माने कोई इंटरफियरेंस नहीं है, कर्ता पना नहीं है, भोक्ता पना नहीं है, एकत पना नहीं है, मौत पना नहीं है, इसका नाम है अर्थोज नथी। जब गुरुदेव के सब शब्द प्रवचन अब ऐसे एक शब्द का मीनिंग निकालना पड़ता है, जब पूरी तरह से प्रवचन पढ़ के सुन के सोचा इसका मतलब क्या कहना चाहिए, भाषा विज्ञान है तो समझ गए। अब तुम्हें इसे पता लगेगा, अब तुम 5 साल पढ़ लो और फिर हमसे भाव आसन के लिए फिर आओ, फिर तुम कहो भाई साहब इतना भाव है हमने तो सोचा ही नहीं था, जैसे अभी हमने कभी पढ़ाया तो नहीं कुछ वो ही दुर्लभ अच्छे ऑप्शन अंतर कर दिए दोनों, अब जी जी गहराई से सोचोगे तब समझ में आएगी, छह ऑप्शन में से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आप रट लो 50 ग्रंथ 100 ग्रंथ आप है ना क्या करोगे, वो एक भेलपुरी बनती क्या बनती हाँ सब चीज डाल लो, अब का बनो काय को स्वाद आ रहा है जामे पता नहीं, ककड़ी भी है जामे सब ऐसे भेलपुरी का नाम सम्यक दर्शन नहीं, भेलपुरी के लिए तो एक शब्द का मीनिंग बता, भाव बताओ आप क्या भाव है, आत्मा आत्मा का मतलब समझते हो, अब आत्मा सुन लिया तुमने आत्मा नहीं समझते इसलिए दौड़ लगे। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सुलभ है, समझ गए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सुलभ है, सामग्री सभी मिली, लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा अभी समझ नहीं आया, मैं कहता रहूं नहीं आया, समझ में आ जाए तो मजे करोगे तो मोक्ष पक्का। अब जाता इतनी आत्मा पे विचार करना चर्चा करना भाव आसन में जाना तब जाके तत्व निर्णय होगा और तब ध्यान होगा कि मैं आत्मा हूँ ज्ञान वाला हूँ देह से भिन्न हूँ, अरे ये तो बात ही कर रहे तुम समझते नहीं। एक बहुत अच्छा उपन्यास है अपने पराये, अच्छा है पारिवारिक है अपने पराये, अब उसमें हमें ज्यादा नहीं बताना, हमें तो ये बताना तुमसे तुम्हारी भाषा में क्या है, क्या तुम्हारे पिताजी की पहचान बेकार प्रश्न लगेगा किसी बातें कर रहे हम अपने पिताजी को नहीं पहचानते, यहाँ बेटा नहीं पहचानते, ये है वो सपने पर आए। वो पत्नी कहती है सारी जिंदगी संग संग रही पति के 60-70-80 साल के हो गए और पति का जो रूप उसने देखा उस दिन तब लिखा है उसमें अपने पर आए, अपने थे पति लेकिन पराए लग रहे थे, मतलब हमें हमने पहचान ही नहीं पाए, पहचानने में बहुत टाइम चाहिए, क्रियाओं से नहीं पहचान पाओगे किसी को, जिनकी क्रिया सही ये सही और जिनकी क्रिया गलत ये गलत, हाँ इतना आसान नहीं है पहचानना, बहुत ही दुर्लभ है, क्या कह रहे हैं बहुत ही दुर्लभ है, पिताजी को नहीं पहचानते अब वो नहीं, हम जानते तुम जो जानते हो इन्फॉर्मेशन है बायोडाटा बायोडाटा समझते हो, इतने पढ़े लिखे इतनी उम्र इतना वजन इतनी बीमारी ये बीमारी ऐसा गुस्सा करते हैं ऐसे खाते पीते हैं, ये तो बायोडाटा है, तुम पिताजी को जानते हो उनकी करुणा जानते हो, क्यों जानते हो करुणा जानते हो, तुमने मोबाइल मांगा नहीं दिया ये उनकी करुणा है, आवाज समझ
तुमने मोटरसाइकिल मांगी, नहीं दी उन्होंने, जे है कौन। अभी तुम्हें लग रहा है वो बच्चे का कह रहे थे, अब उसकी माँ की कौन है, ये की लड़का हो मान लो, अब बच्चा मोट और पतल हो तो क्या सोचे घर में रहो, कोरोना ना हो जाए, कहीं बोलो करुणा है उसको, जे नहीं लगता तुम अच्छी जगह मर जा, करुणा है। बोलो, तुम्हें चाय जब नहीं खाने देती, चाय जैसे नहीं खाने देती, चाय जैसे नहीं पीने देती, मोबाइल नहीं खेलने देती, गलत दोस्तों की संगति करने, हम भी अपने पिताजी को पहचान नहीं पाए, जब हम निकल आए ना चमक के नहीं, तब हमें समझ में आएगी ये पिताजी की कृपा है। पहले तो ऐसा लगता था कि सुसाइड करने का मन करता ना मंटी खेल सके, ना पतंग उड़ा सके, ना गली में जा सके, ना दोस्ती बयाई कच्चू नहीं, ना होटलबाजी कुछ नहीं कर पाए। छोटे थे चौथी पांचवी में, वो दुकान पर टांग देते थे मई जून की गर्मी, बैठे रहे कहीं नहीं जा सकते, बैठे रहे, अब कुछ काम ना धाम, कोई काम धाम नहीं, छोटी उम्र में 10 साल में बैठे रहे, उसका खुद इतना तो बगल बगल में बैठ जाएंगे, हम तो दुकान बैठे, हम पल्ले नहीं पड़ने का, जो कहा नहीं बैठा, सब मोहल्ला में खेल रहे, हम खेल ही नहीं पाए, तो उसमें बड़ी गुस्सा आती थी कि पिताजी हैं कि जल्लाद, हमें बड़ी तकलीफ लगती थी भयंकर। आज हमें समझ में आ रहा है, आज हमारे ऊपर गाली नहीं है, उनकी कृपा है, आज कुसंगति नहीं हो पाई, ये उनकी कृपा है, हमने बचा लिया। हम समझते भी बहुत समझदार थे, और आजकल ये पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये गधा हैं, उनके बच्चा बिगड़ रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है, मोबाइल में लगे फ्री फायर खेल रहे, क्या कर रहे, मारे गए तब समझो आप मारा ही करो। इसलिए गधा है, वे समझते थे दुनिया को, भले आठवीं पास थे वे समझते थे, मैंने हमें तब समझ में आई जब हमें हमारे जीवन का निर्माण हुआ, तब समझ आया हमारे पिताजी सही थे। पहले तो ऐसा लगता था कि जरा पढ़ाई नहीं करी है, कोई गड़बड़ हुई, बहुत बहुत सजा देते थे, पूरे परिवार की सजा हमें मिलती थी, बड़े थे ना बहुत, हमें ऐसे लगता था हमें कौन सा पाप किया है ऐसे पिताजी मिले बोले पाप। लेकिन नहीं, सच कहते हैं, आज उनकी बहुत महिमा आती है, उन्हें मंदिर जाने से कभी नहीं रोका, पाठशाला जाने से कभी नहीं रोका, खुद नहीं गए भले पाठशाला, खुद न प्रवचन नहीं सुन पाए, हमें प्रवचन नहीं रोका, सोनगढ़ जाने से नहीं रोका, हम अकेले सोनगढ़ गए थे, छोटी उम्र, छोटी उम्र थी हमारी, बहुत छोटी, 16 साल की, मम्मी और हम चले गए 16 साल की, तब तुम्हारे दादा दादी भी गए थे, 50-60 लोग गए थे, वो मेरी जहाज सब लोग गए थे, शिखर चंद जी, पंडित जी भगत साहब, ज्ञान चंद जी, राजी राम जी, 50-60-70 लोगों का टूर आ गया था सीधा, पिताजी ने जी मना नहीं, एक सेकंड नहीं रहा। अब आज समझ में आ रही वो बात कि गलत जगह जाने के लिए तो वे जान नहीं देते, सही जगह जाने से रोका गया, बहुत बड़ी। अब समझ मत समझ आए, पिताजी को पहचानने में 25 वर्ष लग सकते हैं, 50 वर्ष लग सकते हैं, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है शादी के बाद, समझ ही नहीं पाती थी उसे, सास बहू में झगड़ा इसलिए नहीं होता है कि दो ही खराब है, दो ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अब भी धीरे समझते हैं तब उन्हें लगता है हमारी सास में, उन्हें भी लगता है बहू अच्छी। अब जैसे तुम लोग हमारे पास रहते तो सब लोग थोड़ी समझ पाती है जी, क्या हुआ है, क्या टाइम खराब कर रहे, हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, अरे नहीं भैया हमें मालूम है जी बच्ची इस उम्र में ऐसे ही होती, हम किसी को नहीं रोकते, मर्यादा में रहो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बोधी, समझ गए बोधी, अब पिताजी के बारे में बोधी नहीं है, छोप सब होना अलग बात है, यही तुम्हारे मुँह से ऐसा निकलता है, पिताजी कुछ नहीं समझते, हम समझ गए तुम कुछ नहीं समझते, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मुँह से हमने सुना पिताजी कुछ नहीं समझते, हम समझ गए तुम कुछ नहीं समझते, बता और सही बताएं, माता पिता का उपकार इसलिए वाजिब नहीं होता, तुम कुछ समझते नहीं, यही लगता है वो थोड़ी मैं नौकरी कर लूँ फिर मम्मी पापा को मतलब, हमें मुझे कोई मतलब ही नहीं, बहुत दुख दिए मम्मी पापा ने, मैं देखता हूँ शादी हो जाए फिर देखना, ऐसे ऐसे लड़के खुद ही तैयारी कर लेते हम पिताजी माता जी को देखेंगे नहीं, क्यों बहुत दुख देते, दुख देते हैं। इतना बढ़िया लिखा है बनीता बोधनी एक किताब है, 150 साल पुरानी, बनीता बोधनी दिल्ली के पास है बड़ा गांव,
उधर कोई एक बहुत बड़े पुराने लेखक हुए, उन्होंने लिखी हो महाराज जी। वनिता वो ने क्या लिखा है पता है? बहुओं को सास का परिचय दिया। क्या परिचय देंगे बोले? बहुओं को सास का परिचय। भोली नादान बहुओं बिटियों, ऐसा ना बड़े अच्छे से भोली नादान, तुम भोली हो और नादान, बहुओं बिटियों ऐसा बेटियों, यदि तुम्हें अपना पति अच्छा लगता है तो ये सारी कृपा सास की है। ऐसा लगा, यदि तुम्हें अपना पति अच्छा लगता है तो वो सारी कृपा सासू की है, इसलिए उनकी खूब सेवा करो। क्या यदि तेरा पति शराब पीता तो तुझे रोजाना कैसा लगता? रोजाना शराब पी के सोए तेरे संग, बदबू आती वो कमरा में कैसा लगता? बीड़ी पी के पीने वाले के संग कैसे रहते? माँ बहन की गाली बोलने वाले के संग कैसे रहते? जुआ खेलने वाले, परिस्थिति सेवन बेचते सेवन करने वाले के संग तुम कैसे रहती जिंदगी भर? तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं बनी, इसमें सास की कृपा है। उन्होंने एक एक दिन घड़ाया उसको, एक गाली दे ध्यान में आती जवान कहते हैं हम मार दें, उन्होंने एक एक बात को घड़ाया तेरे को पति को, भाई इतना अच्छा पति तुझे दिया। सही में पढ़ के ऐसा ऐसा लगा कितना बढ़िया लिखा है। बता ऐसा परिचय कौन देता है सास का? जे है बोधी, जे है बोधी, तो सास का परिचय दिया। सुना तुम पूरे जीवन सुख से रहोगी। एक एक दिन कैसे बच्चे को पालती है माँ, और आने वाली बहू को जरा कीमत नहीं होती है। हमारा खसम बहुत बढ़िया है, तेरा खसम बहुत अच्छा है, उनको बेटा थोड़ी है, इतना अच्छा मिला कहाँ से? ये तो बताओ क्या बहू का पहला अधिकार है, माँ का पहला अधिकार है बेटे बता? लेकिन समझ में ही नहीं आती उसकी, लिए चलती बनी तुम अलग हो जा जी जी। छोपसम ज्ञान का अहंकार तलाक कराता है, बोधी तलाक नहीं कराएंगे। सीता के पास बोधी है, अंजना के पास बोधी है, आजकल का छोपसम तलाक कराता है। बराबरी का राइट, बराबरी का अधिकार। अरे क्या बराबरी का अधिकार? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम नहीं करूँगी, नौकरा नहीं हूँ क्या? अरे हम तो कह रहे थे क्यों अपना घर का काम कौन करता है? नौकरानी की मालकिन, मालकिन करती है। तो नौकरानी समझो तो हम क्या करें? नहीं समझ आया भाई? एक डॉक्टर नहीं है अपने घर की कब बसी दो से, तो मालकिन है कि नौकरानी? मैं नहीं करूँगी काम, नौकरों का ही काम, और ये मालकिन का ही काम है। ये अपना घर है, अपना घर नहीं समझते लोग, समझ गए? अपना पति नहीं समझते, अपना परिवार नहीं समझते, हम क्यों करें काम? अब क्या बताऊं मैं तो, एक घंटा लेक्चर दूं मैं, हम क्यों करें अपना काम? अभी हमने भोजन बनाते तो क्यों खुश रहती? खुश इसलिए रहती अपना काम, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा शुद्ध काम है, दूसरों भरोसे कह रहे हैं तो अपना काम समझेंगे जब तो मजा ही आए। अपना पति समझो तो पूरे जीवन सुरक्षा, पूरे जीवन इलाज करना फ्री, नहीं समझ में आया? क्यों तुम किसी लड़की पे कितना पैसा खर्च कर सकते हो? एक लड़की पे और पत्नी पे कितना खर्च कर, बोल। वो बीमार हो जाए भाई 500 रुपये ले जा, इतनी मदद कर सकते हो किसी को, एक्स वाई जेड को, और अपनी पत्नी पे बोल। अब एकदम सोच कर इलाज कर, क्यों पूरी जिंदगी तीर्थ यात्रा, घर मकान सोना चांदी इज्जत आबू प्रतिष्ठा, जरूरत पड़ेगी तो राम की तरह लड़ पड़ेगा वो पत्नी की रक्षा के लिए। इसको कहते हैं अपना पति। ये सब चीजें गायब हो गई, वो सांवला है। अरे वो बोलता अच्छा नहीं, बोलता पति बोलता, समझ में आई कभी नहीं? हम समझ गए इसको अहंकार है, बोलता है पति, बोलता है कि बोलती है। अपन पढ़ते ना जिनवाणी, उनके मुखार बिंद से फूल झड़ते थे, मोती झड़ते, हमने बहुत सूझी कहाँ जा रहा थे। तो कैसे झरती? अब हम हर एक की शकल देखें, उनकी शकल कैसी है, दांत कैसी है, फला कैसा है, वो झर ही तो नहीं रहे, तो तुम नहीं समझे, छोप समझ नहीं समझ पाओगे। मोती झरते हैं, अमृत झरता है, तुम नहीं समझ पाओगे। मोक्ष चंद्रते हैं, अमृत झरे, नहीं समझ पाओगे तुम, क्यों तुम छोप समझ वाले हो।
यहाँ से पढ़ना पड़ेगा बोध ध्वजा। सचमुच ये बोध ही दुर्लभ है, अपना ज्ञान भाव समझना दुर्लभ है। घड़ी में ज्यादा टाइम वो बंद है, क्यों क्लास में वो सही चल रही? हम तो जा रहे जीवन थोड़ी जीवन चलो सुन लो हम तो समझ में आए बेटी बोधी और शिव समय अंतर समझ गए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो तुम सारी जिंदगी कचरा इकट्ठा करते रहोगे और फिर एक अहंकार आता है वो मैंने 50 किलो पढ़ ली, मैंने 2 साल में 100 पढ़ ली, तकलीफ है यार ढोर। तूने आत्मा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम मेरी पढ़ाई का सार ये बता दिया तुमने, यही तुम अपने माता पिता को नहीं पहचाने तो तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ है, व्यर्थ है बिल्कुल। हम हमारे पास कभी आओ तो हम माता पिता के चाहे कुछ हो, गरीबी अमीरी संयोग की चीज है, गरीबी अमीरी सांवला गोरा होना ये संयोग कर्म की चीज है, पापा की गलती नहीं है इसमें। और हमसे ज्यादा तुम कहो तो हम तुम अपने टिपे में ऐसे पापा का लाए नहीं समझ आए समझ गए टिपे मैंने तुम पुण्य पाप का उदय कर लेके आए तो उसी घर में क्यों जन्मे? कई बार के लोगों को लगता है हमारे पापा सांवले तो हम सांवले, कहा बात नहीं पापा काश हमारी मम्मी की शादी अच्छे से होती, हम भी अच्छी होती ढुर्रा। जब तुम नहीं अच्छे कर्म कर रहे होते तुम अच्छी जगह नहीं चले जाते, यही घर में कहा जाते। मैंने पुण्य पाप का टिपन तो तुम्हारा है, उसमें माँ बाप का क्या दोष है? अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से कहा था तुमने किससे पूछ के मुझे पैदा किया? पिताजी रह रहे सर कोई बात नहीं, उन्होंने कविता लिखी तो बेटे को पढ़ने दे दी कि भाई पढ़ो बेटे, और चले बोले कुछ नहीं, डांटा कुछ नहीं, बोले बेटा मेरे पिताजी के पिताजी ने पूछ करके उन्हें पैदा नहीं किया, पिताजी के पिताजी ने पिताजी को पूछ के पैदा नहीं किया, मेरे पिताजी ने पूछ के पैदा नहीं किया, लेकिन अब नया जमाना है तुम अपनी संतान से पूछ कर उसे पैदा करना। इतनी कविता लिख के दे दी, क्षमा मांगी अमिताभ बच्चन ने, क्षमा मांगी, मैं गुस्सा नहीं किया गया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, समझ गया बेटी? बोधी और शिव समय सब जगह घटा के बता दिए तुमने, मैंने ऑल राउंडर प्रयोग करके बता दी बोधी और समाधि का अंतर है वो बोधी और शिव समय, तो बोधी दुर्लभ है और शिव समय दुर्लभ नहीं है। शिव समय का शिव के पास है, अब्दुल कलाम भी शिव समय से ही तो बनी थी भाई, और जब मैं जा रहे तुम्हारे सेटेलाइट में मुंह पर स्पेस में शिव समय से ही तो जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चले जा रहे हैं, एक भी सेकंड गलती होती है तो हम क्रैश हो जाएगा। बहुत तेज सम्यक दर्शन है तो बहुत कम शिव समय चाहिए, इनमें तो मोटरसाइकिल चलाने ज्यादा शिव समय चाहिए और सम्यक दर्शन करने में बोध ही चाहिए। शिवसम कम होगा तो चलेगा, शिव भूति जैसा शिवसम भी काम कर लेगा। देखो हमने बाल पोथी का गीत सुनाया, जिज्ञासा का गीत है, मुझे इतना प्यारा लगा जब हमने पहली बार पढ़ी थी इंदौर में, अच्छा कितना बढ़िया गीत है, मुझे देखना आत्म देव कैसा है, कैसा है क्या करता है, तो बोध की तरफ से पढ़ाई करना बेटे, समझ गए? हमें इतनी खुशी होगी यदि तुमने बोधी पकड़ लिया ना, बस मोक्ष में मिलोगे, फिर कोई नहीं बताना, बस बोधी बोधी बहुत बड़ी चीज है। माँ बाप को पहचानने लगोगे, संसार को पहचानने लगोगे, अभी तुम हे को हे नहीं पहचानते तो बोधी कहाँ है? बोलो कल चला था बहुत अच्छा, ये दो अभी बोधी दुर्लभ के पूरे प्रवचन सुनना, अभी चल गए नहीं, बहुत सुनने लायक है, नोट्स बनाने लायक है, इतनी अच्छी हुई क्या हे को हे जानते हो तुम? पूरी जिंदगी प्रवचन करते रहोगे, सब रट लोगे, सब सीख लोगे, सब में खुश कर दोगे सबको, और हे को हे नहीं जानोगे, ये कहोगे पैसा के बिना काम नहीं चलता। ले कौन से ग्रंथ में पढ़ी पैसा के बिना काम नहीं चलता बता, पूरे द्वारा सांग बता कौन से ग्रंथ में लिखी थी बात,
पैसा के बिना काम नहीं चलता। अब पंडित जी को बताओ, घर गृहस्थी में है तो पैसा के बिना काम कैसे चलेगा? हम कह रहे हैं घर गृहस्थी में भी पैसा के बिना काम चलता है। बोलो बोलो, सिद्ध करो, तुम करोगे हम करेंगे, बोलो, दृष्टांत दोगे? देखो घर गृहस्थी में पैसा के बिना काम चलता है। अब देख दिक्कत क्या है, तुम्हें सियादवाद नहीं आता, तुमने वो ही समझ रखा है। हम कह रहे हैं घर में पैसे ही रखे रहो, काम कैसे होगा? नहीं समझाई समझ गए, समझ गए। देखो दृष्टांत, एक त्यागी थे साधु, पैसा तो रखते नहीं साधु थे, उनके प्रवचन हुए, सब सुनने आए, फिर जाने लगे गंगा पार, सब साधु को भी गंगा पार जाना था, पैसा तो थे नहीं, तो खड़े रह गए। फिर एक सेठ जी ने कहा भैया बिठा ले, एक रुपया हम दे दे, एक रुपया उसने दे दिया, बैठ गए। अब इधर से उधर गंगा पार जाना बनारस में तो बात तो हुई, अब वो हंसी उड़ाने लगा उनके साधु, महाराज आप तो अभी कह रहे थे पैसा के बिना काम नहीं होता, ए पैसा के बिना काम होता है, पैसा से काम नहीं होता, पैसा का कोई महत्व नहीं मिलता, पैसा से काम नहीं होता, आप तो जी कह रहे थे, आप देखो पैसे ही काम आए। तो त्यागी बोला साधु तुम गौर से देखो, पैसा ही के बिना काम होगा। बोले ऐसे कैसे, हमने एक रुपया दिया जब ही तो आप जा पा रहे, तो हम वो कह रहे जी तो हम कह रहे हैं एक रुपया दिया, समझ गए, एक रुपये रखे रहते तो क्यों, घर का पैसा घर में रखे रहो, खर्च मत करो, तो अब घर कैसे कैसे चलेगी? नहीं समझ पैसे ही रखे रहो, सब्जी मत लाओ, काम कैसे चलेगा? पैसे रखे रहो, पुताई मत करवाओ, कैसे काम चलेगा? बर्तन मत लाओ, आटा गेहूँ मत लाओ, काम कैसे चलेगा? तो पैसा से काम नहीं चल रहा है, पैसा के छूटने से काम चल रहा है, पैसा के त्यागने से काम चल रहा है। अब तुमने क्या परिभाषा बना दी, सही कह रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान, बोझ दुर्लभ की बात कर रहा हूँ, प्रवचन बिल्कुल जैसा लिखा वैसे ही कर देंगे, पर्याय शुद्ध है, ओके, पर्याय शुद्ध नहीं, पर्याय भिन्न है, करता है एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं करता, दो तरह की स्वतंत्रता है, डंकी की चोट का वो और फिर दवाई के बिना काम नहीं चलता। जी कौन सी ग्रंथ मिलेगी दवाई के बिना काम नहीं चलता? दवाई की जरूरत क्यों पड़ी ये बताओ, अज्ञान और असंयम से जरूरत पड़ी। सुनो ज्ञान के बिना नहीं रह सकते, अभिनव भाव पढ़ा वो सब, अभिनव भाव पढ़ा सब न्याय में, अभिनव भाव है ज्ञान के बिना, क्यों अभिनव भाव दवाई के संग है, पैसे के साथ है, पूरी जिंदगी पंडिताई करते करते हुए पत्नी मर गई, सोई रोने लगी, रो गए कोई बात नहीं, रोना तो चल चरित्र मोह है, लेकिन हमें तो दर्शन मोह पे चोट करना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे अभिनव भाव थोड़ी हो, उसके बिना रह तो रहे, देखो 25 साल तक नहीं आई, जब तक रहेगी नहीं रहेगी, और अभी बैठे कि नहीं बैठे, नहीं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे अभिनव भाव कहाँ है वहाँ, तू ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, शक्कर मिठास के बिना नहीं रह सकती, शक्कर सोने की चम्मच के बिना तो रह सकता, सोने की चम्मच नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ गए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, बोध ही छिवसम हो जाना अलग बात है, छिवसम तुम्हें आनंद नहीं देगा, ध्यान रखना छिवसम शुष्क ज्ञान होता है, छिवसम बहुत कष्टदायक होता है, तो फिर हम क्या करें पंडित जी, आप बोध ही निकालना सीख, वो ही दुर्लभ नहीं रहेगा फिर तुम्हारे लिए। सुनो बहुत पढ़ाई होना सुलभ है, लेकिन बोध ही निकालना दुर्लभ है। अब चर्चा तो पूरी होगी नहीं, टाइम हो गया, समझ से समझ में आ रहा कुछ, थोड़ा इशारा कर दे जल्दी जल्दी, मेरा तो घोटाई करने का मन करता है, कर्तव्य की भाषा में से कर्तत्व निकालना सुलभ है और कर्तव्य में से अकर्तत्व निकालना दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ, समझ गए? जैसे कर्तव्य की भाषा लिखी, जिन वाणी में कर्तव्य की भाषा लिखी, सट कर्माणी दिने दिने, जो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, करना चाहिए, करो 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 करो, अरे कहा कह रहे तुम, कैसे कह रहे करो करो करो, कहा है ऐसे ऐसे कर दे, सोई हो जाए,
पंडित साहब को देख लिखे तो नहीं लिखे इतना सा नहीं समझा रहे और ना इतने खुश हो रहे हैं हम रोज प्रख्याल करते हैं हम इससे खुश नहीं हम रोज पूजा करते हैं इससे खुश नहीं पंडित साहब कभी खुश नहीं होते तो काहे से खुश होंगे भैया अकर्तव्य देखते हो कि नहीं देखते रोज करते हो शाबाश टोटा जी कह लेगा इतना किया तो शाबाश परंतु पूजा करते बेटा करते सटकर्माणी बहुत बढ़िया लेकिन बेटा इतने से काम नहीं चलेगा बोध ही निकालो बोध ही क्या निकालो इसमें बोलो अकर्ता देखते हो कि नहीं कर्तव्य के काल में अकर्ता देख लेना बोध ही दुर्लभ है समझ गए क्यों रोटी खाते हो कि नहीं खाते ये एक व्यवहार है रोटी खाने का एक व्यवहार बोलो इसमें अभोक्ता देखते हो कि नहीं देखते ये दुर्लभ है भाई देखो रोटी की मजा नहीं है रसगुल्ला की मजा नहीं है हम तो खाएंगे पिएंगे हम नहीं तो चूल्हे में गए धर्म हम खा देखो प्रवचन करने कर लो कराने कर ले रोटी तो खाएंगे अरे खा लेना कोई मना नहीं करते जी क्यों करते हैं इसके बिना हम नहीं करेंगे चूल्हे में गया धर्म अभोक्ता देखो ना भोगते समय अभोक्ता देखो ना सर जी तो बहुत कठिन है बिल्कुल सरल है यही तो हम कह रहे हैं यही पूछा तुम हमसे यही तो सरल है देखो जो हाथ पे रोटी रखी तो कहा हाथ ने भोग ली नहीं अब यहाँ रखी तो कैसे भोग ली और सरक गई अंदर कैसे भोग ली एक पाइप में रोटी खस खुस कर दी एक मिक्सी में रोटी डाल मिक्सी चली ये भी तो मिक्सी है जान बाने नहीं भोगी तुमने कैसे भोगी तुम जानने का नाम भोगना क्यों करते हो जी अभोक्ता हो गया ज्ञान अभोक्ता है ज्ञान मात्र ज्ञायक है ज्ञान मात्र ज्ञाता है भोगता है ठीक है दुनिया की भाषा में व्यवहार में उसे भोगना कहती कहती है क्या बताओ नहीं तो मिक्सी चल रही ग्राइंडर में कहो हो गई भैया तो बहुत पुण्य होता है डब्बा को बोले का है रसगुल्ला जब तुम डब्बा को रसगुल्ला का भोगता नहीं कहती तो इसको क्यों कहती डब्बा में तो 100 रखे मान लो 50 रसगुल्ला रखे इससे तो दो ही गए यही तुम इसको ये भी तो पुद्गल का है ना डब्बा वही पुद्गल का है तुम ज्ञाता को भोक्ता मत कहो ओ ज्ञाता को भोक्ता कहना कलंक है मिथ्यात्व है अपराध है हरे आनंद संसार की सजा है हम अपना भोक्ता नहीं कहेंगे ज्ञाता कहेंगे कोई दिक्कत नहीं खाओ बेटा खाओ खाने का मना कर खाओ रसगुल्ला ज्ञाता को ज्ञाता रहने दो भोक्ता भोक्ता क्यों मनाती हो जी जी दुर्लभ है समझ गए अब सब भाषा में से मिला के एक भाषा बना दो डायलॉग एक डायलॉग बना दो सब में निकालते रहे ना व्यवहार में से परमार्थ बना लेना तो सुलभ है और व्यवहार में से परमार्थ निकालना तो दुर्लभ जिन वाणी व्यवहार से भरी हुई है जिन वाणी व्यवहार से भरी हुई है उसमें से दुर्लभ है बोधी में से परमार्थ निकालना परमार्थ निकालना हमें बहुत दृष्टांत दिए इसकी भोक्ता वगैरह की स्टेची को कपड़े पहना देती है सोना की हार पहनाती है जवेरी की दुकान में शराब की दुकान में जब वो हार पहनाती है तो बता तुम्हें ऐसा लगता है इसका कितना पुण्य कमाया नहीं लगता पुद्गल की स्टेची है वो तुम्हें नहीं लगता ये भी तो पुद्गल की है जरा आत्मा को निहारा करके देखो अरे इसको हम भोक्ता क्यों मानते हैं अरे हम तो भोक्ता नहीं ताकि भोक्ता हम तो नहीं रहे बनारसी दास जी लिखा है तमाशगीर कहेंगी तमाशगीर समझ गया मैंने क्या था इसके कर्ता भोक्ता हम तो नहीं कहेंगे हम तो तमाशगीर है तमाशगीर समझ गया क्या था तमाशा देखने वाला ऐसे भगवान आत्मा तो तमाशा देखने वाला है हम इसको कर्ता हम तो नहीं समझ गए तो अब तुम्हें समझ आ गया वो भेद विज्ञान में ये पुरुषार्थ ये है जो पुरुषार्थ आपको बार बार निकालना पड़ेगा परमार्थ अब मजे भी खूब आएंगे खा के खा रहे हैं और क्या था गया था कोई दिक्कत नहीं चलने दो धारा चलने दो अब अज्ञानी क्या करता है हो तुम्हें खाने की आसक्ति है छोड़ दी छोड़ो इसका क्यों हमने रसगुल्ला खाना बंद कर दिया तो कहा हम अभोक्ता हो गए अभोक्ता जब जा रहे खाओ मत जी गलती है क्रिया कांडी वाला छोड़ने पर वजन दे देगा अभोक्ता रही जाएगा उसका नहीं नहीं खाता हुआ भी मैं नहीं खाता कौन सा अधिकार है बोलो
समय सारणी निर्जराधिक ज्ञानी खाते हुए भी नहीं खाते, चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, ये दुर्लभ है। लेकिन क्रिया मत देखना, क्रिया देखो ठगा जाओ। भाई साहब आप कैसे कर रहे, अरे हम कर नहीं लेते, हम कुछ और दिख रहा है हमें, हमें इसके पीछे बहुत कुछ पता है। हमारी जितनी चेष्टाएं देखते हो ना जितनी भी, उसके पीछे बहुत मेहनत है। जो आज हमें सहज लग रहा है ना, वो इतना सहजता से मिल नहीं है, वो ही दुर्लभ है। ये तो ऐसे बैठे थे, ऐसे खा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, तो तुम क्रिया पकड़ोगे नहीं समझ पाओगे। और जब तुम दूसरों को नहीं पहचानोगे तो खुद को भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम उसी से अपने को नापोगे। फिर ये क्रिया खराब कर रहे हैं, हम क्रिया सही कर रहे, झट झा चल जाओ, अरे हम कर ही नहीं रहे हो, ये भी नहीं कर रहे। ध्यान से सुना तुम्हें, कई बार कोई प्रकरण हुआ तो नहीं कर, नहीं बेटा बोल, रात को तुमसे यही तो कह रहा, उसके कर्ता पर है कहाँ अत्यंत अभाव है, विचार करना है बेटा। यह अनंत उपकार।